भोपाल जिला अभिभाषक संघ के चुनाव 8 जनवरी को संपन्न होने जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वाहिद खान ने कहा कि भोपाल जिला अभिभाषक संघ में ऐसे लोगों का निर्वाचन हो जो अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष कर सके, साथ न्याय व्यवस्था में भी सहयोग करें, क्योंकि न्याय व्यवस्था सुचारू चलने से ही शांति रहती है। अधिवक्ताओं को जो भी समस्याएं हों, निर्वाचित पदाधिकारी उनका निराकरण करें, क्योंकि भोपाल राजधानी की है, इसलिए यहां का बार एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जो अन्य जिलों के बार एसोसिएशन के लिए एक आदर्श स्थापित कर सके। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने शहरवासियों को और देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये नववर्ष हम सब के लिए, देशवासियों के लिए मंगलमय हो, और हम सब देशवासी पूरे वर्ष और आने वाले सभी वर्षों में खुश रहें, अच्छे रहें, और हमारे देश की प्रगति हो, उन्नति हो, सब लोग खुश हों, आगे बढ़ें। अब बात आती है चुनाव की। मुझे हमारे बार में, भोपाल बार में, ज़िला बार में चुनाव है जो हर दो वर्ष में आता है, और इस 8 तारीख को वोटिंग होना है सोमवार के दिन, और उसी में लोग लगे हुए हैं, और बड़े बड़े दिग्गज जो इसमें रहे हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जैसे राजेश व्यास जी हैं, दीपक खरे जी हैं, और उपाध्यक्ष में भी हैं, बहुत से लोग हैं जो, और अब के तो बहुत ही भारी कंपटीशन है चुनाव में, और बार इस समय पूरी चुनाव को लेकर व्यस्त है, जगह जगह फंक्शन चल रहे हैं, और अधिवक्ता भी बहुत उत्साह से, काफ़ी रोचक मुकाबला देख रहे हैं। हाँ, इस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई विधायकी का चुनाव हो, इस प्रकार से यंग बच्चों में बहुत जोश है, यंग अधिवक्ताओं में बहुत जोश है, और सभी में जोश है, और सब चाहते हैं कि बार की जो बॉडी बने वो अच्छी बॉडी बनकर आए, जुझारू लोग, ईमानदार और काम करने वाले लोग आए और बार को आगे बढ़ाएं, बार के लिए, अधिवक्ताओं के लिए अच्छा काम करें। बस इस प्रकार से ये चुनाव चल रहा है जो 8 तारीख को वोटिंग हो जाना है। चुके का अधिवक्ता हैं आप, क्या अपील करेंगे कि जैसे सभाएं मतदान करें, मतदान को लेकर क्या अपील करें? हम सभी मतदाताओं से, अधिवक्ता बंधुओं से ये अनुरोध करेंगे, ये विनती करेंगे कि अच्छे जुझारू लोगों का चयन किया जाए, जो लोग हमारे पहले भी हमारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्व में भी रहे हैं, बने रहे हैं और बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी, चूँकि देखे हुए आजमाए हुए लोग हैं, तो उन पर भी विचार किया जाए और अच्छे लोगों की बॉडी चुनकर आए, जिससे कि हमारे बार में और अच्छी से प्रगति हो, वकीलों को सुख सुविधा हो, पक्षकारों को सुख सुविधा मिले, और हमारा न्यायालय, हमारी बार जो है वो आगे बढ़े, और न्याय व्यवस्था और विधान का पालन हो।